नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। एक बड़ी खबर इस वक्त की यूपी के आजमगढ़ से आ रही है, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक बाबलू कुमार के पदभार संभालते ही थानाध्यक्ष महराजगंज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताते चले कि महराजगंज के महेशपुर गाँव के एक पुराने खंडहर से 545 पेटी अवैध शराब के साथ साथ 2 लग्जरी गाड़ी बरामद की है और साथ ही अवैध शराब के 3 कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जबकि थाना अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य सरगना मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी खोजबीन जारी है, जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। विशेष जानकारी के लिए आप पुलिस चलते हैं अपने संवाददाता दुर्गेश द्विवेदी के पास। अभी कुछ समय पहले लगभग 40 लाख रुपए की शराब बरामद हुई, एक बड़ी घटना है। अभी थोड़ी देर पहले जहां एसपी ने आजमगढ़ में अपना पदभार संभाला, संभालते ही दीदारगंज से 2 हत्याओं ने उनको चुनौती दी। वहीं महाराजगंज थाने के थाना अध्यक्ष दिनेश पाठक जी ने रात में छापेमारी करके लगभग 545 पेटी दारू बरामद किया। आइए बात करते हैं दिनेश पाठक जी। विगत रात में मैं अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में मौजूद था, तब तक हमारे जनपद के पार्टी प्रभारी अश्विनी पांडे जी अपनी हमराहियों के साथ आ गए। पूर्व में अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के क्रम में उसी संदर्भ में हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि जब ये मुखबिर खास सूचना मिली कि गैर प्रांतों से कुछ शराब माफिया शराब लाकर हमारे क्षेत्र में महेशपुर गांव के पास एक जर्जर सोसाइटी है जी, वहीं रखे हुए हैं और कुछ वाहनों में लाद कर क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। सूचना पर खास करके हम लोग तुरंत पहुँचे जी और वहाँ छापा मारा, जिसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। काफ़ी मात्रा में वहाँ गोदाम टाइप का बना के रखे हुए थे, उसमें भी काफ़ी पेटियाँ बरामद हुई। जो गाड़ी जो भी शराब से भरी हुई थी, एक रोनाल्डो नई गाड़ी थी, वो भी शराब से की पेटियों से भरी हुई थी, लगभग 545 पेटियाँ। मतलब दारू को बाहर ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी जी थी। जी, जैसा कि आंका जा रहा है सर कि 545 पेटी है, वॉल्यूम रुपए में कितना बन रहा है? लगभग 40 लाख रुपए। सर अभी जैसा कि जैसे ही कल एसपी बबलू कुमार जी ने आजमगढ़ में अपना पदभार संभाला, तुरंत दीदारगंज से 2 हत्या आई। माना गया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के लिए सिंघम माने जाने बबलू कुमार को आजमगढ़ ने चुनौती दे दी और रातों रात आपने बड़ी कामयाबी हासिल की। क्या माना जाए कि आपने स्वागत की तैयारी कर रखी थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रात में सर ने हमारे मीटिंग किया और काफी हम लोगों का हौसला तो पहले से भी बड़ा था और हम लोग जो है पूरा अपना काम किए जी। ये तो माना जाता है कि बबलू कुमार जी जिस जिले में पदभार ग्रहण करते हैं थानेदार चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। नहीं नहीं, तो चुस्त दुरुस्त रहते हैं और ज्यादा सुधार होता है। और ये सर गिरोह जो था ये अंतर जनपदीय है कि जनपद से? अंतर जनपदीय और रहने वाले तो यही धारा हमारे क्षेत्र के जनपद। सर मुख्य आरोपी गिरफ्त में है कि नहीं? मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी जो है गिरफ्तारी प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र गिरफ्तार कर उसको भी जेल भेजेंगे। तो ये खबर आजमगढ़ से थी, जहां पुलिस ने 545 पेटी अवैध शराब के साथ साथ 2 लग्जरी वाहन बरामद की है और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही आपको यह भी बता दें चले कि यूपी के सुपर कॉप और सिंघम माने जाने वाले बबलू कुमार के पुनः आगमन से एक बार फिर आजमगढ़ की जनता में एक बार क्राइम कंट्रोल की उम्मीद जगने लगी है।